हम बात करेंगे फ्लेवर्ड वाटर के बारे में, और जो स्पेसिफिकली जो मदर्स अपने बच्चों को अक्सर औकात बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलरेंट और प्रिजर्वेटिव वेस्ट दे रही होती हैं, तो उससे बेहतर है कि वो उसको हेल्दी फ्लेवर वाटर के साथ रिप्लेस करें। क्योंकि अक्सर औकात बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा खेल कूद की वजह से न्यूट्रिएंट और एनर्जी लॉस में चले जाते हैं, और उनकी इस तरह से बॉडी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती कि वो चीज़ें परफॉर्म कर सकें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत हद तक ज़रूरी है कि उनका जो डेली रोज़मर्रा में पीने वाला पानी है उसको अगर आप थोड़ा सा नॉरिश कर दें, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से कि आप उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यानी कुछ फल और सब्जियां अगर उसमें एडिशन कर दें उनकी एक वाटर बॉटल में, तो इससे ना सिर्फ उनको एनर्जी या तवानाई मिलेगी बल्कि साथ में फ्लेवर्ड वाटर भी हो जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास तीन किस्म के फ्लेवर्ड वाटर हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल येलो रेड एंड देन ग्रीन, यानी पीली लाल और फिर सब्जियों और फलों से ये जो है फ्लेवर्ड वाटर बनाया जा सकता है। इसकी बेस सेम ही रहेगी जिसमें आप मिंट ऐड करें यानी पुदीना ऐड करें, एक चम्मच शक्कर ऐड करें और लेमन या फिर लाइम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप येलो फ्लेवर्ड वाटर बनाने जा रहे हैं तो आप उसमें यू कैन से कि यू कैन ऐड ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, टेंग्राइन्स, लाइम, लेमन, पाइनएप्पल, आप ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी फल को पानी में ऐड करते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है और साथ ही साथ वो फुली नॉरिश्ड और न्यूट्रिएंट डेंस हो जाता है, जो कि आपकी कैलोरीज को भी पूरा करता है। और ना सिर्फ ये बल्कि आपका जो मिनरल बॉडी की बच्चों की स्पेसिफिकली जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो मिनरल डेफिशिएंसी है, वो भी पूरी होती है। यहाँ मैं मदर्स को एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे बीट रूट, एप्पल और कैरेट होता है उसी को आप श्रेडिड करें और एक ओवरनाइट बॉटल तकरीबन 8 से 10 घंटे उसमें वो डिप्ड रहे, और वो पूरा दिन बच्चा अगर पानी कंज्यूम करता है अपने स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में तो भी उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं जिसमें ककम्बर, आइसबर्ग, लेटस, सेलरी और उसके अलावा जो हरी सब्जियाँ या जो हरे पत्ते हैं अगर उसमें ऐड किए जाएँ तो वो भी बहुत न्यूट्रिएंट और कैलोरी डेंस होता है। फ्लेवर्ड वाटर्स की जब भी बात की जाती है तो हमारे पास जूसेस भी आ जाते हैं और साथ ही साथ शेक्स भी आ जाते हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी फिज़िकल हेल्थ के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा सूखे का मर्ज में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, उनके लिए शेक्स बहुत हद तक बेहतर हैं। और शेक्स को कोशिश करें कि होल मिल्क में यानी खुले दूध में बनाया जाए, प्रोटीन बेस्ड बनाया जाए, उसमें हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स ऐड किए जाएँ, डेट शेक, उसके अलावा गो विद द वेरी एनर्जाइज शेक, क्योंकि बच्चों के लिए अक्सर औकात जब भी वो कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसको बर्न आउट कर लेते हैं, तो उनको आप जितना भी एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड देते हैं कि वो क्लीन और क्लियर फूड देते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जूसेस की जब बात की जाती है तो मतलब ज़्यादातर बच्चे तो जूसेस की तरफ नहीं आते, पर मदर्स अक्सर औकात ये कर सकती हैं कि वो उसके पोर्शन साइज को कंट्रोल करें। लाइक टू से अगर बच्चा एक ग्लास नहीं पी रहा तो वो उसको तकरीबन 25 या 75 ml करके भी दिन में 2 से 3 बार उसको बच्चे को दे सकती हैं। इससे होता है कि आप जो बच्चे की फर्स्ट 20 इयर्स की न्यूट्रिशन होती है वो नेक्स्ट 20 इयर्स पे बेस्ड होती है, और उसकी वजह से वो डिफरेंट जो मेल नॉरिशमेंट्स हैं या डिफरेंट किस्म की गजाई कमी होती है, गजाई किल्लत होती है, उससे बच्चा बच सकता है। जी थैंक यू सो मच जवेरिया, बच्चों के डाइट के, उनके फ्लेवर वाटर के हवाले से हमें बताया।